अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है ढाबा स्टाइल पनीर। ये एक नॉर्थ इंडियन रेसिपी है और बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम पनीर कट इन टू क्यूब्स। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे नमक 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 पिंच हल्दी और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मसालों को हम पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पनीर को हम करेंगे शैलो फ्राई। इसके लिए एक पैन में हम गरम करेंगे तेल और पनीर को पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम पनीर को फ्राई होने देंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरे साइड भी 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारे पनीर शैलो फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 2 प्याज फाइनली चॉप्ड और प्याज को हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे सॉटे कर लेंगे जब तक इसकी कच्ची बहुत दूर नहीं हो जाती। और इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और मसालों को मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टमाटे की प्योरी। टमाटों को मैंने ब्लेंड कर लिया है ग्राइंडर में। और ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के मुताबिक। और अब हम टमाटों को पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें पकाना है। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1/2 कप दही और दही को हम पकाएंगे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए और हाई फ्लेम पर। इस तरह से दही फटेगा नहीं। 2 मिनट तक हम पकाएंगे दही को। और अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे शैलो फ्राई करे हुए पनीर। इन्हें मिक्स कर देंगे मसाले के साथ और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी यानी कि सूखी मेथी और इन्हें मिक्स कर देंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1/4 ग्लास पानी। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 1/4 ग्लास पानी काफ़ी है। और अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर। 6 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। ग्रेवी और पनीर अच्छे से पक चुके हैं। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से कोथमीर के पत्ते। और ये हमारी ढाबा स्टाइल पनीर करी एकदम रेडी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आप भी ये रेसिपी घर में ज़रूर बनाइए और अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी या फिर चावल के साथ।